ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਾਤਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਗਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਰਜਨ ਭਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। मार्च का महीना आते ही यह लोग अपने राज्यों में परत जाते हैं, पर देश भर में करफ्यू लगन कारण यह लोग इत्थे ही फस के रह गए ने। बेशक प्रशासन वालों इन्हां दे खाण पीन का प्रबंध किया गया, पर यह लोग अपने टिकाने ते जाण लई सरकार अते प्रशासन अगे गुहार लगा रहे ने, पर बार्डर सील होण कारण इन्हां नूं पंजाब तों बाहर जाण दी इजाजत नहीं दिती जा रही। जदों इन्हां दा हाल चाल पुछा गया तां इन्हां दे चेहरे ते उदासी दी झलक सी अते परिवार ते बच्चां कोल जाण लई तरस रहे सी। उन्हां दस्सिया ओह एक महीने तो इत्थे ही बंद हो के रह गए ने, जिस कारण काम ना होण करके किराया भी देना मुश्किल हो रहा है। उन्हां प्रशासन तों मांग कीती कि उन्हां नूं वापस घर भेजा जावे। जदों समाज सेवी आगू गुरप्यार सिंह अते ब्रिसपान बुजुर्ग नाल गलबात कीती तां उन्हां ने केंद्र अते पंजाब सरकार तों मांग कीती कि इन्हां लोकां नूं उन्हां दे घरां तक पहुँचाउण लई प्रबंध कीता जावे। देश भर अंदर लगे करफ्यू कारण जिथे सारा देश घर अंदर बंद हो के रह गया, उधर कोरोना वर्गी भयानक बीमारी तो बचण लई विभाग वालों जारी कीतियां हदायतां नूं देखदे होए मास्क लगाउणा जरूरी कीता गया। SSP पटियाला सरदार मनदीप सिंह सिद्धू वालों अज पातड़ा खेत्र का दौरा किया गया। उत्थे ही शहर अंदर कश्मीरी जो अपने घरां नूं जाना चाहते हैं उन्होंने जाण संबंधी पूछे जाण ते उन्हां कहा कि इस संबंधी DSP पातड़ा नाल गल करन तो बाद जो भी गाइडलाइन होवेगी उसके तहत ही उन्हां दी हर तरह की मदद की जाएगी। ਮਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। धर्म सिंह, हम लोग बेसिकली कश्मीर से आते हैं। हम लोग 5-6 सालों से या 10 सालों से तकरीबन लगा लो आ रहे हैं। यहाँ 6-7 महीने अपना सीजन लगाते हैं काम का, उसके बाद हम रिटर्न अपने स्टेट में चले जाते थे। तो इससे पहले तो हम लोग जब यहाँ 21 तारीख को लॉकडाउन हो गया तो हम लोग यहीं पे रुक गए हैं। उसके बाद तो कोई साधन नहीं हमारे पास ऐसा कोई जाने का, तो हम लोग यहाँ से SDM साहब के पास भी जाते रहे हैं। तकरीबन हफ्ता भर हमारे पास एक एप्लीकेशन पड़ी, अभी भी कुछ बंदे भेजे हमने। लोग कैटर का काम करते हैं यहाँ पे, कभी हरियाणा में या लोकल पातड़ा में। जी जी हाँ, अभी कोई काम नहीं, बेल बैठे हैं, कोई ऐसा कुछ काम नहीं है इस समय। कोई समय हमारे समाधान नहीं है समस्या का कुछ भी, ताकि हम लोग चाहते हैं कि हम अपने घर जाएं, अपने बाल बच्चों में जाएं। तो हमारे लोग गरीब लोग हैं, पहाड़ी एरिया के 10-10 किलोमीटर सफा हमारा जो है हिल एरिया में मकान है। तो हम लोग के वहाँ के रहने लोग डिस्ट्रिक्ट रामबन के हैं, लखनपुर के क्रॉस करके। हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई गाड़ी का सुविधा दिया जाए, हमें अपने स्टेट में छोड़ा जाए। जी, जैसे अंडर रूल जो भी अपना मेडिकल होता है वो करके हमें अपने गाँव में भेजा जाए, देना पड़ रहा है, ताकि बिजली का भी, उसका रूम का भी, हम अपना पर्सनल किराया दे रहे हैं। खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं? व्यवस्था नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तैयार हुआ लंगर आता है आपके पास? बीच में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। हाँ, हमारे जाने की इच्छा है। SDM साहब वहाँ मिले नहीं हफ्तों भर, हम तो जब भी जाते हैं मुलाजमों ने कहा कि भाई यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि SDM साहब या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है तो वो हमारे को हेल्प करे, हमारे को अपने स्टेटों में छोड़े। जैसे कि आज भी अपने पटियाला से गाड़ियां गई हैं लखनपुर में, अभी भी रुकी हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। तो जो कि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है, उनको वहाँ रोका गया, यानी कि क्वारंटाइन करवा रहे हैं या ऐसे रोका पूछताछ कर रहे होंगे। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी गाड़ी का साधन हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे लिए हमारी हेल्प करे जी। ये 30 के करीब व्यक्ति हैं जो J&K तो इतने हर साल सर्दी के मौसम च आते हैं, वख-वख कैटरिंगां नाल रल के मैरिज पैलेसां च अपने परिवार को पालन का साधन बनाते हैं। सो देश के अंदर कर्फ्यू लगन तो बाद ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਸਰ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਮਦਦ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ J&K ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ,
क्योंकि गर्मियों के इन्होंने उत्थे बहुत वधिया रोजगार चलता है। सो मैं दोबारा फिर पंजाब सरकार को बेनती करूँगा कि जिन्हें भी इस तरह के व्यक्ति ने इत्थे पंजाब दे विच रुके हुए ने इन्हों भेजण का प्रबंध किया जाए। वख जम्मू और कश्मीर के वख वख जिले के विचों पंजाब दे विच रोजगार के लिए इत्थे आउंदे ने गे। तो हुण लंबे समय तो जिस दिन का भी करफ्यू लग्या उस दिन के एक मतलब कि छोटे जे रूमों के काफ़ी वड्डी गिणती दे विच उरे रुके हुए ने। सो पंजाब सरकार नूं भी चाहिंदा गा, साढ़े इत्थे तो प्रशासन नूं चाहिंदा कि इन्हां नूं अपने अपने जगह के उत्ते जिहड़ा सुरक्षित पहुँचाया जा सके, क्योंकि इन्हां दे परिवार भी पिछे एक डरदे माहौल दे विच ने, भी इत्थे डरदे माहौल दे विच रह रहे ने। इत्थे दे जिहड़े उरे मोहल्लियां दे विच रह रहे ने शहर दे विच, इत्थे दे लोकां नूं भी इन्हां तों डर थोड़ा जिहा भी कोई वड्डी गिणती दे विच इक जगह ते रह रहे ने ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਪਾਤੜਾਂ ਜੀ, ਜੀਓ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਮਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਤੰਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਚਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਇਹ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। देखो हजे तक जाने वाला जिन्ना चिर कश्मीर वालों उन्हां वालों परमिशन नहीं मिलती जी, उन्ना चिर उत्थे जाके स्टैंडर्ड होणगे। पर जिहड़ा कोई इहो जिहा मामला डिस्ट्रिक्ट च, सारा बहुत वड्डा डिस्ट्रिक्ट है, इत्थे साडे कोल ध्यान च आउंदा, असीं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे ध्यान च लियाउणे आ, ते उन्हां दी सहूलत लई जो बेस्ट अरेंजमेंट आ उह अपना करना बनदा वी है, ते उह कर वी रहे। सच ते पैरा टीवी लई सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट।